विद्यालय के है जो तालाबंदी करके टीचर लगाने की मांग करी गई है और कक्षाओं को बहिष्कार करी है। उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ है जिकागा कार्यकर्ता है और कार्यकर्ता जयपुर खतरगेड़ा बीच में ने पुलिस रोक ली और बजट सुन गए मुख्यमंत्री की सराहना है जी की करी है। एक एक वोट मारे नाम माते पड़े, राजनीति और गुंडई में फर्क होया करे। कैलाश गैंग में आने चाहे मैं की भी करूँ हुकुम। पूरी वेब सीरीज देखने के लिए डाउनलोड करें स्टेज ऐप। मनोज थे देख रहे हो जिले को चूरू चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करो ताकि चूरू जिले के अपडेट देख सकें। फिलहाल जिले को से बड़ी और महत्वपूर्ण खबरें की बात कराऊंगा। सबसे पहले गांव कांजन की बात कराऊंगा जिसको शादुलपुर क्षेत्र में है। विद्यालय के है जो तालाबंदी करके टीचर लगाने की मांग करी गई है। पर खबर की बात कराऊं तो चूरू जिले के राजगढ़ तहसील के गांव कांजन में स्थित राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में अध्यापक लगाने की मांग ने लेके ग्रामीण और छात्र है जिसका स्कूल का एंट्री गेट पर तालाबंदी करके शिक्षा विभाग के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए प्रदर्शन है जिसको करियो है और कक्षाओं को बहिष्कार करियो है। ग्रामीण है जिसका विद्यालय पर ताला लगा के धरने पर बैठ गया और विद्यालय में स्टाफ लगाने की मांग करी है। ग्रामीणों का कहना है कि 12वीं तक विद्यालय में है मैं 5 ही टीचर है जो हूँ स्टूडेंट है जिका की पढ़ाई चौपट होने बंग भविष्य है जो अंधकार में धकेलो जा रही है। गुसैया जी का ग्रामीण हाब स्कूल में तालाबंदी करी तो स्टूडेंट है वह भी कक्षाओं को बहिष्कार कर दियो और कहो कि जब तक अध्यापक है वह नहीं लगाया जाओगा तब तक तालाबंदी है जिसकी जारी रहेगी। ग्रामीणों का कहना है कि कई बार शिक्षा विभाग के अधिकारियों ने अवगत करवा दियो लेकिन बावजूद एंगे कोई कार्रवाई है जिसकी कोनी हो पाई है और बच्चों की लगातार पढ़ाई प्रभावित तो होने लग रही है। इन्हें तालाबंदी की सूचना मिली तो मौके पर सीबीओ भी मौके पर पहुंचा और ग्रामीणों है जिसको समझाइश को प्रयास करो लेकिन ग्रामीण आपकी मांग है जी की पर अड़िया रहे। ग्राम पंचायत कांदन में राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय कांदन स्टाफ की कमी होने के कारण एसटीएम को 6 तारीख को ज्ञापन दिया गया था, उसकी सुनवाई नहीं होने के कारण हमने 10 तारीख का अल्टीमेटम दिया था। धरना प्रदर्शन शुरू किए है और स्कूल को लॉक कर दिया गया है। धरना प्रदर्शन कर रहे हैं तो हमारी जल्दी से जल्दी यही मांग है साहब से कि स्टाफ की पूर्ति जल्दी की जाए। और भाजपा अल्पसंख्या मोर्चा को जयपुर में घेराव है। मुख्यमंत्री निवास पर प्रदर्शन करने जाते टाइम बने पुलिस है जी को पहली रोक लियो। राजस्थान विधान सभा उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ है जी का कार्यकर्ता है और कार्यकर्ता जयपुर खतरगेड़ा बीच में पुलिस रोक लियो तो जमगी नारेबाजी है जिका करी है। इन दौरान अनेक कार्यकर्ता है जिका मौजूद है वह रहे है। आगे खबरी बात करा तो राजीविका विभाग है जिका जिला परिषद सभागार में बजट सुन गए मुख्यमंत्री की सराहना है जिकी करी है। महिला है जिकी इन दौरान कहे है की 76 लाख परिवार 500 रुपया में सिलेंडर 100 यूनिट बिजली फ्री सहित अनेक जिका बड़ा मुद्दा और बड़ी घोषणा है जिसकी करीज की है। लोग धन्यवाद दिया है लोग के कुछ कह रहे सुना। नमस्कार, मेरा नाम पायल तंवर है, मैं ग्राम ठेलासर से हूँ और मुख्यमंत्री जी का आज का बजट बहुत अच्छा रहा है खासकर गृहिणी के लिए। वो क्योंकि वो जो सिलेंडर गैस पे 500 रुपये कर दिए हैं तो अपना आर्थिक स्थिति को देखते हुए बहुत आसानी से अपना घर खर्च निवारण करेगी और जो चिरंजीवी योजना है तो गरीब आदमी अपना इलाज अच्छे से करा सकेगा। वो 10 लाख से बढ़ाकर 25 लाख रुपए तक कर दिया है इसलिए। और बिजली बिल जो 100 यूनिट फ्री किए हैं तो वो भी मतलब जैसे गरीब परिवार है तो अपना आसानी से बजट घर का चला सकेंगे, इसके लिए मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद। दुर्घटना बीमा का पहले 5 लाख था, अब 10 लाख कर दिया गया है और चिरंजीवी योजना का पहले 10 लाख था, अब 25 लाख कर दिया गया है। बिजली का बिल 100 यूनिट फ्री कर दिया है और भी बहुत सी योजनाएं हमारे मुख्यमंत्री जी ने बढ़िया बढ़िया योजनाएं हमें बताई, हमें बहुत अच्छा लगा। कुछ जिले मुख्य खबरें पहुंचाई।